हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आरबीआई रेजिक्स सार्क करेंसी स्वैप प्लान। तो रेजिक्स का मतलब होता है रीअरेंज, ठीक है। सार्क कंट्रीज 8 कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज। तो ये बात है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज डिसाइडेड टू पुट इन प्लेस रिवाइज्ड फ्रेमवर्क। तो ये हमने देखा, रीअरेंज मैंने बताया, तो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर सार्क करेंसी फॉर 2024 to 2027। अंडर द फ्रेमवर्क अ सेपरेट INR इंडियन नेशनल रुपी स्वैप विंडो हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विथ वेरियस कंसेशंस फॉर स्वैप सपोर्ट इन इंडियन रुपी, आरबीआई सेड। द टोटल कॉर्पस ऑफ द रुपी सपोर्ट इज ₹250 बिलियन। द आरबीआई विल कंटिन्यू टू ऑफर स्वैप अरेंजमेंट इन US डॉलर एंड यूरो अंडर अ सेपरेट US डॉलर यूरो स्वैप विंडो विथ एन ओवरऑल कॉर्पस ऑफ ₹2 बिलियन। अब देख लेते हैं हमारे लिए इसमें क्या क्या जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए हो जाता है, आरबीआई रेगुलेटर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले आरबीआई के फंक्शंस जानने हैं क्या है। सेकंड, यहाँ पे हम लोग देखते हैं करेंसी स्वैप क्या होता है, कि मेरे पास डॉलर है, मैं उसको स्वैप करवा रहा हूँ रुपीस में, तो ये करेंसी स्वैप हो गया आपका। थर्ड, सार्क। सार्क कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है, 8 मेंबर कंट्रीज है सार्क नेशंस। क्या क्या है, सबसे पहले इंडिया आ गया, ठीक है। इंडिया के सारे नेबर्स ले लो, इंडिया के साथ आपका आ गया नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, और पाकिस्तान, नीचे में मालदीव्स, एंड देन अफगानिस्तान। तो ये 8 कंट्रीज है, और जब मैं ये कंट्रीज लिख रहा हूँ तो मैप में हमें खुद पता होना चाहिए। ये है अपना प्यारा भारत, यहाँ पे नेपाल आ गया, यहाँ पे नेपाल के बगल में भूटान आ गया, यहाँ पे नीचे में आपका आ गया बांग्लादेश, यहाँ पे श्रीलंका आ गया, यहाँ पे मालदीव्स आ गया, यहाँ पे पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे अफगानिस्तान आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कंट्रीज सार्क नेशन है। और यहाँ पे 250 बिलियन का विंडो आरबीआई